दोस्तों बिग बिलियन डे सेल बहुत जल्द आने वाली है और उससे पहले आएगी हमारी iPhone 16 की सारी सीरीज। तो 9th of September को लॉन्च हो रहा है iPhone 16। काफी सारे रूमर्स लीक्स जो है उसके आ चुके हैं और कंफर्म भी हो चुका है कि ऐसा आने वाला है। तो देखो सीन क्या है कि iPhone आएगा बहुत अच्छे प्राइस पे, उस प्राइस की भी बात करेंगे हम लोग, और बिग बिलियन डे सेल भी आएगा उसके बाद। तो क्या आपको iPhone 16 सीरीज पे अच्छी प्राइसिंग मिलेगी, डिस्काउंट्स मिलेंगे, कुछ ऑफर्स भी मिलेंगे या नहीं, इसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा उससे पहले दोस्तों आपको प्लस मेंबरशिप और प्राइम मेंबरशिप डेफिनेटली लेनी चाहिए, जिससे आपको और अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे बिग बिलियन डे सेल में। तो डेफिनेटली उसको मिस मत ही करना। अगर अभी नहीं कराया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहां से चेकआउट आप जरूर करो। और अगर ज्यादा अच्छे डिस्काउंट चाहिए, अपने पैसे सेव करने हैं आपको, तो उसके लिए बाई हटके का एक्सटेंशन मस्ट डाउनलोड कर लो, क्योंकि उससे आपको पूरी प्राइस हिस्ट्री पता चल जाएगी, कैसी प्राइसिंग में आया था फोन, अभी कितने में है, सबसे लोएस्ट प्राइस क्या गई है, और क्या बिग बिलियन डे सेल में सबसे लोएस्ट है भी या नहीं। तो ये सब सारी चीजें पता चल जाएंगी, आपके अच्छे खासे हार्ड अर्न मनी बच जाएंगे। तो थोड़ा सा आईफोन के बारे में बात करते हैं, 16 सीरीज में क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। तो इसमें आपको 6.3 इंच की सीरीज मिलेगी नॉन प्रो में, 6.9 इंच रहेगा प्रो सीरीज में। 15 से 16 में साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, स्क्रीन की साइज बढ़ जाएगी, मतलब बॉर्डर्स बहुत ज्यादा पतले होने वाले हैं इस बार। और सारी सीरीज में आपको कैप्चर बटन देखने को मिलेगा, जिसमें काफी सारे अलग अलग फीचर्स होंगे, जैसे आप अगर एक बार उसको प्रेस करोगे तो उस कैप्चर बटन से आप फोकस कर सकते हो, और एक और बार प्रेस करोगे तो आप उससे फोटो ले सकते हो, लेफ्ट राइट स्वाइप करोगे तो जूम इन जूम आउट होगा, जो काफी अच्छे फीचर्स लगे। पर देखो स्लाइडर बटन जिससे हम लोग म्यूट अनम्यूट करते थे, उसके जगह पे जो बटन दिया है उसका भी यूज करना चाहिए एप्पल को, उतना ज्यादा मुझे अच्छा नहीं दिखा वो, मतलब शॉर्टकट लगा के उसके बाद फिर कुछ और चीजें उसमें एड ऑन कर सकते हो, तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए था रादर देन कि एक और बटन एडिशनल दो। तो टोटल आपको बटन एक साइड में चार हो जाएंगे, जो थोड़ा सा ज्यादा मुझे लग रहा है। अब बात करेंगे बिग बिलियन डे सेल की भी, तो 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर को ये आएगा आईफोन 15 बिग बिलियन डे सेल में आएगा, और काफी अच्छे प्राइस पे आने वाला है। मतलब अगर 80,000 का आईफोन 16 आता है, 50 से लेके 55 का आईफोन 15 आएगा, तो काफी अच्छा खासा गैप देखने को मिलता है। और देखो अगर आप चाह रहे हो थोड़े पैसे सेव करना, तो डेफिनेटली आईफोन 15 कैन बी द बेस्ट ऑप्शन। तो उसके लिए आपको कार्ड्स ऑफर सारे डिस्काउंट्स लेने पड़ेंगे, सब चीज पहले से प्रिपेयर करके रखना। तो अगर आप आईफोन 15 लेने का प्लान कर रहे हो तो यार उसी पे स्टक रहना, आईफोन 16 लेने का सोचना भी मत, क्योंकि उतने भयंकर कुछ एडिशनल अपग्रेड्स नहीं है। यहां तक कि यार 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी नहीं पहुंच रहा है, मतलब क्या ही चल रहा है यार। मतलब थोड़ा सा तो अपग्रेड देना चाहिए था डिस्प्ले में। ठीक है A18 सीरीज आएगी, ओके बहुत अच्छी सीरीज होगी, पर यार आईफोन 15 में भी आप कुछ खराब गेम नहीं खेलते हो, बहुत अच्छा गेम चलता है और बहुत ऑप्टिमाइज चलता है। और इवन एप्पल का जो A18 चिपसेट है वो ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है कि उसकी यूटिलाइजेशन आईफोन कर ही नहीं पाएगा। मतलब अगर वो मैकबुक में होता तो उसकी अच्छी खासी यूटिलाइजेशन हो जाती, जैसे मैं बोलूंगा M1 सीरीज है, ठीक है M2 सीरीज है, M3 सीरीज है, इनके जो चिपसेट है वो अच्छे लेवल के हैं, उनका यूटिलाइजेशन आराम से करता है मैकबुक। पर A18 में आईफोन में आप क्या ही कर लोगे, मतलब प्रोरेस में वीडियो लोगे, उस टाइम पे भी उतना यूटिलाइजेशन उसका नहीं हो पाएगा। तो आई डोंट थिंक कि एक हैंडहेल्ड डिवाइस में इतना एडवांस चिपसेट होना चाहिए। हाँ ठीक है मैं मान रहा हूँ AI भी आएगा, तो AI में यूज होता है, 8GB रैम इस बार आएगी आईफोन 16 में, तो 8GB रैम AI को यूज करेगा। पर यार देखो सैमसंग की बात करता हूं मैं, यहाँ पर सैमसंग में S23 सीरीज है, और S23 में आपको अच्छे खासे AI के फीचर्स मिल रहे हैं। मतलब हो सकता है कि एक दो AI के फीचर्स आपको आईफोन 16 में देखने को मिले ज्यादा, पर यार 35,000 के प्राइस में आने वाला है S23, उसमें बहुत अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, और सैमसंग ने अपग्रेड भी दिया अपने प्रीवियस मॉडल में, जो इस बार जरा भी नहीं मिलेगा। मतलब आईफोन 16, 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स में AI मिलेगा, और 15 प्रो मैक्स में मिलेगा, 15 में AI नहीं दे रहे, मतलब क्या ही चल रहा है। पर ठीक है आईफोन 15 फिर भी अच्छा वैल्यू फॉर मनी है, रादर देन बाइंग आईफोन 16, तो मैं उतना रिकमेंड तो नहीं करूंगा, पर अगर आपका मन है तो बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको। तो प्राइसिंग आएगी इसकी 80,000, HDFC का ऑफर लगाने के बाद 5,000 का डिस्काउंट डेफिनेटली देखने को मिलता है, वो एक नॉर्मल भी डिस्काउंट है जो आपको मतलब मिली जाता है यार, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती 5,000 का डिस्काउंट लेने में। तो 80 का ये आ जाएगा 75, और 16 प्लस की बात करूं तो वो आएगा आपको 90 से 85, और बात करूं 16 प्लस की तो 90 का आएगा 90 से 85 हो जाएगा। और हाँ एक और चीज यार, इस बार iPhone 16 प्लस की बैटरी थोड़ी कम की जाएगी और 16 प्रो की बढ़ाई जाएगी, ऐसा इसलिए क्योंकि 15 प्लस की बैटरी बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, सबसे ज्यादा अच्छी बैटरी उसी की आ रही थी, क्योंकि प्रोसेसर भी उतना हाई एंड नहीं था, तो बैटरी कम यूज कर रहा था और बैटरी इसमें ज्यादा भी थी, तो काफी अच्छा चल रहा था, जो एप्पल नहीं चाहता है, पता नहीं क्यों कि आप
आपका कुछ अच्छा ना हो। टाइप सी भी जब लाना था तो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके लाना पड़ा, मतलब एक छोटी सी चेंज कराने में एक पूरी गवर्नमेंट लग रही है, क्या ही चल रहा है। अब बात करो बिग बिलियन डे सेल की, तो देखो आईफोन 16 बिग बिलियन डे सेल में यार डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे आपको। 1-2 हजार का डिस्काउंट मिल जाएगा पर वो उतना मार्जिनल नहीं होगा जितना आईफोन 15 होगा। तो डेफिनेटली आईफोन 16 अगर प्लान कर रहे हो तो यार मत करो, मेरे हिसाब से आप आईफोन 15 ले लो, बहुत अच्छा डील है। और अगर उससे पैसे थोड़े से कम है आपके पास तो S23 मैं रिकमेंड करूंगा यार, बहुत अच्छा है फोन, प्रीमियम भी है काफी, प्राइस भी काफी अच्छी आ रही है, 35,000 आने वाली है इस बार सेल में, तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड दैट। और ऐसी वीडियोस के लिए यार सब्सक्राइब तो बनता है, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो, और हाँ भाई हटके का एक्सटेंशन डाउनलोड करना मत भूलना यार, एकदम फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहां से भी डाउनलोड कर लो, पीसी के लिए एक्सटेंशन भी है और ऐप भी है, तो जल्दी से डाउनलोड कर लेना। इतना था इस वीडियो में गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।